हमारे इस वीकली प्रोग्राम में हर हफ्ते हम आपके मुलाकात करवाते हैं कुछ जाने वाली हस्तियों से। आपको जमीन चाहिए तो इतना आपका पैसा बनता है, आप इस भाव से सरकार आपको जमीन दे देगी। कर्म बने हुए लोगों ने जो पैसा सरकारी कोष में जाना चाहिए था, ऐसा सिस्टम बना दिया कि वो इनकी अपने जेब में जा रहा है। मैं समझता हूँ कि मेरा उद्देश्य केवल एक ही है कि हमारा जो हरियाणा है वो तरक्की करे। तो मुझे एक पीड़ा बहुत सताती है, वो ये कि मैं अपने बच्चों की पार्ट ऑफ ग्रोइंग अप नहीं रहा। आदमी के पास एक ऐसी हॉबी होनी चाहिए जिसको कभी भी प्रोफेशन में कन्वर्ट कर सकता है। कि ये कांग्रेस पार्टी है, ये ही हमारी सारी समस्याओं की जड़ है। ये उनकी सोच है जो क्रिकेट एडमिनिस्ट्रेटर है, जो क्रिकेट को संभाल रहे हैं, शायद उनकी सोच हमारी सोच से अलग है। इस मुकाम पर पहुंच गया हूं कि लोग मेरे को जानते हैं, कि अच्छी पहचान बन गई है। अगले हफ्ते पल दो पल में इसी समय इसी वक्त मुलाकात करेंगे एक और नई हस्ती से। नमस्कार, रूबरू टुडे के वीकली शो पल दो पल में आपका स्वागत है। मैं हूं मंजू डागर। जैसा कि आप जानते हैं, हर हफ्ते हम आपकी मुलाकात करवाते हैं किसी न किसी जानी मानी हस्ती से। हमारी आज की खास मेहमान एक ऐसी शख्सियत हैं जिन्होंने वर्ल्ड मैप पे अपनी कंट्री को एक अनोखे तरह से, एक अलग ढंग से रिप्रेजेंट किया, और ये आप कह सकते हैं कि उनका दुस्साहस भी हो सकता है, साहस भी हो सकता है, या एक स्टेप आगे कि दुनिया 21वीं सदी में जा चुकी है तो उनकी कंट्री कैसे पीछे रह सकती है। जी हाँ, हमारी खास मेहमान है द बोल्ड एंड ब्यूटीफुल मिस पाकिस्तान, मिस वर्ल्ड पाकिस्तान की फाउंडर सोनिया इकबाल अहमद जी। पाकिस्तान में वैसे इतना ज्यादा बुरखे नहीं होते, पाकिस्तान की मेंटालिटी डिफरेंट है। बस वो मेंटालिटी चेंज करने के लिए ये स्टेप लिया गया था कि औरतों को एक रिप्रेजेंटेशन हम लोग देना चाह रहे थे, और एक फीमेल रिप्रेजेंटेशन पाकिस्तान के लिए मिसिंग थी। एक बेनज़ीर थी और उससे पहले बहुत कम औरतें आईं और गईं, फातिमा जिना वगैरह, मगर अनफॉर्चुनेटली उनके बाद कोई नहीं रिप्रेजेंटेशन थी। तो ये 9 साल पहले हमने सोचा था, चलो एक फीमेल के लिए एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाएं जहां पर उनको अच्छा लगे आर्ट्स एंड कल्चर में हिस्सा लेना, डांस में, एंटरटेनमेंट में, और एट द सेम टाइम अपने कल्चर और अपने मुल्क को रिप्रेजेंट करना। तो इसीलिए ये आइडिया आया है, मगर एज सच हम कंटिन्यू कर रहे हैं 9 साल से अभी। तो जैसे अब बेनज़ीर एंड फातिमा, अगर उन करेक्टर्स की बात करें, वो पॉलिटिकल बैकग्राउंड वाले थे, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री का तो वो भी हिस्सा नहीं बने थे, कहीं ना कहीं वो उस कट्टरपंथ से जी हो सकता है, बिकॉज एंटरटेनमेंट को बुरी निगाह से देखते हैं पाकिस्तान में। अगर कोई भी औरत अगर एंटरटेनमेंट में है तो उसको अच्छा नहीं माना जाता। तो ये इसलिए हमने किया था ताकि एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाए जहाँ पर बुरा नहीं माना जाए, जहाँ पर फैमिलीज आए, फैमिलीज इंटरेस्टेड हो, और सब लड़कियों की फैमिली सपोर्ट करने आए। तो इट बिकेम ऐसा लगा कि हमने ऐसा इन्वायरमेंट बनाया है ताकि फैमिली ओरिएंटेड इवेंट हो और इसको अच्छी निगाह से देखे। बट इतना आसान नहीं था, 9 साल लगे इस चीज़ को एटलीस्ट, मतलब उन लोगों को फील करने के लिए कि हाँ जी ये ठीक इवेंट है।
तो 2003 से जैसे आपने स्टार्ट किया, आप खुद भी एक ब्यूटी कंटेस्ट का हिस्सा रही थी, विनर भी रही। जी जी, मैं जीती थी पहले, और इसी से आइडिया आया था कि पाकिस्तान के लिए कुछ ऐसा किया जाए, तो इसीलिए मैंने 2003 में वो स्टेप लिया। यूनिवर्सिटी में थी और वहाँ पर कल्चरल नाइट्स होते थे, कल्चरल इवेंट्स होते थे, तो हम लोगों को पूछा गया कि आप लोग एज पाकिस्तानी कम्युनिटी क्या करना चाह रहे हो, तो तब जाकर मैंने सोचा कि चलो एक मिस पाकिस्तान करते हैं, देखते हैं कि कुछ रिप्रेजेंटेशन हो जाए। और वो यूनिवर्सिटी में हम स्टूडेंट्स में डिस्कशन हुई थी, आइडिया आ गया, शुरुआत हो गई। हमने एम्बेसी वालों को फ़ोन किया, पाकिस्तान के एम्बेसडर ने हम लोग को कहा कि हाँ जी, हम आपके साथ हैं, और हम बड़े खुश हो गए। हमने सबको बता दिया कि जी एम्बेसडर ने हाँ कर दी हम लोगों को। तो क्या हुआ कि जैसे ये न्यूज़ फैली तो पूरी कम्युनिटी एम्बेसडर को पकड़ने पर चली गई, नेगेटिव उनके पास आ गया। वो इतने डर गए कि उन्होंने हमें कहा कि आई एम सॉरी, हम इस शो का हिस्सा नहीं बन सकते हैं, और आपको भी यही हिदायत देते हैं कि आप ना ही करें तो बेटर है। तो जब उन्होंने इस तरह मुझे कहा तो मैंने कहा नहीं, वो तो मैं करूँगी, अनफॉर्चुनेटली आप हिस्सा हो या ना हो, आपने स्टैम्प हम लोगों पर लगाया कि नहीं लगाया, दैट्स नॉट, यू नो दैट्स नथिंग, मैं उसके उस चीज़ पर तो नहीं गौर करूँगी, मगर ये तो शो होगा। तो नेगेटिव रिस्पांस बहुत स्ट्रांग था, लोग वैसे डर गए थे कि वो सोच रहे थे कि भाई ये तो बहुत एक्सट्रीम चला गया है, पाकिस्तान के नाम पर एक धप्पा आने वाला है, और वो भी पाकिस्तान की बच्चियों को इस प्लेटफॉर्म पर लाकर इस तरह करना, इस तरह पेश करना बहुत गलत बात है। तो यू नो, जिन लोगों ने नेगेटिव लेना था उन लोगों ने नेगेटिव लिया, जिन लोगों ने पॉजिटिव लेना था उन लोगों ने पॉजिटिव लिया, और ये सिलसिला बढ़ता गया। पर जैसे अगर सोनिया की बात की जाए कि आप ओटावा यूनिवर्सिटी में थे, बैचलर्स अपना कर रहे थे, आपने $1,000 का स्कॉलरशिप लेके करी, यानी कि आप एकेडमिकली बहुत साउंड, बहुत बढ़िया थी, अच्छा परफॉर्मेंस, तो एकेडमिकली अच्छा होने के बावजूद उस तरह का फील्ड ना चूज करके एंटरटेनमेंट की तरफ कैसे? मैंने एंटरटेनमेंट सोचा ही नहीं था इसको, मैंने एक सिविल राइट्स सॉर्ट ऑफ अ मूवमेंट सोचा था। मैंने सोचा था हम लोगों को एक, देखा अगर हम पाकिस्तान में करें तो हमारी जानें खतरे में हैं, वो तो है, और उस ज़माने में करते 2003 में जब मुशर्रफ साहब ने बस 2 साल पहले पाकिस्तान को लिया था, और वो कट्टरपना ज़ियाल हक के ज़माने का फिर भी था वहाँ पर, तो वो हम कुछ कर नहीं सकते थे, हम बेवकूफ़ तो नहीं है कि वहाँ जाकर अपनी ज़िंदगियाँ ऐसे ही दे दें। तो मैंने सोचा कि शायद बाहर से हम एक होप बन सकते, एक लोग हमें देखकर कह सकते हैं कि चलो वो लड़कियां कर रही, वो भी तो पाकिस्तानी है, चलो आधी पाकिस्तानी समझ लो क्योंकि वो यू नो बाहर रह रही हैं, मगर वो एटलीस्ट कर तो रही हैं, राइट। तो इसीलिए मैंने सोचा कि चलो मैंने इसको एंटरटेनमेंट की निगाह से अब देखना शुरू किया, नहीं तो पहले कभी नहीं किया था। और वो मेरे लिए चैलेंजिंग था, आप कह रहे हैं ना कि मैंने बैचलर्स बिजनेस में किया था और मैं अकाउंटिंग में चली गई थी, और वो टोटली डिफरेंट है एंटरटेनमेंट से, मगर मैंने वो चैलेंजिंग ज़्यादा था तो मैं उस तरफ ज़्यादा पढ़ती गई, और हर साल करने से ऐसा लग रहा था कि एक कदम आगे बढ़ते गए, तो इसीलिए मुझे वो यू नो इंटरेस्टिंग ज़्यादा लगा। तो जब आपने जैसे ये थ्रेट मिलना शुरू हुआ या उन्होंने भी इनडायरेक्टली एम्बेसडर ने आपको एक मैसेज कन्वे किया था, ऐसा कुछ हो सकता है, डरने लगा कि मैं इसे फिर भी कंटिन्यू कर रही हूँ? हाँ, डर लगा उस वक्त, मायूसी काफ़ी थी कि एम्बेसडर ने ना बोल दिया, जो हेड हम लोगों के लिए उस, देखें कोई भी मुल्क में अगर कोई भी इवेंट हम करते हैं उस मुल्क का एक हेड होता है, हमारा एक वो कहते हैं ना सरपंच का एक हेड होता है, वो एम्बेसडर्स ही होते हैं जो रिप्रेजेंट करते हैं इंडिया या पाकिस्तान या किसी को भी। तो जब उन्होंने ही ना कर दिया और उन्होंने हमें लेटर भेजा जो मैंने संभाल कर रखा हुआ वैसे इन फ्यूचर कभी मैं देखूँ ना, मगर उसमें लिखा हुआ था कि प्लीज़ यू ऑल्सो रिफ्रेन फ्रॉम यूजिंग आर नेम, और मतलब हमारा नाम ना यूज़ करें, हमारा मतलब हमारी पहचान ना यू नो यूज़ करें, और इस इवेंट को भी आप हम आपको एक सॉर्ट ऑफ यू नो एक मशवरा देते हैं, सलाह मशवरा देते हैं कि आप निकल जाओ इस चीज़ से, क्योंकि इट्स अ वेरी रॉकी रोड, ये जो रास्ता है बहुत ही मुश्किल है। तो मगर हमने फिर भी किया, मगर काफ़ी मुश्किल फेस करने के बाद। हाँ, लेकिन जैसे आपने शुरू किया था सोनिया जी, मिस पाकिस्तान से स्टार्ट किया था, देन आपने मिस्टर पाकिस्तान भी किया, देन मिसेस पाकिस्तान भी किया, तो जो आपके प्रतिभागी हैं, जो इवेंट में पार्टिसिपेट करने वाले लड़के लड़कियां हैं या मैरिड वुमेन जी, किस तरह का अब आपको उनका मतलब फीडबैक किस तरह की मिल रही है, कितना एक मिल जाता है एक बार में? मिस पाकिस्तान तो शुरू से 2003 से हम करते गए, फिर हमने सोचा कि इस मिस पाकिस्तान को सपोर्ट चाहिए, और वो सपोर्ट हम कैसे लाएँ, तो सोचते हमने सोचा चलो ऐसी बहुत सारी पाकिस्तानी लड़कियां बहुत यंग उम्र में शादी कर लेती हैं, 21-24 के वक्त में शादी हो जाती है, तो शायद वो थोड़ी सी लिबरल हो जाती हैं क्योंकि उनके पास अपने हस्बैंड्स होते हैं जो थोड़े से लिबरल होते हैं कभी कभार, तो हमने सोचा हम मिसेस पाकिस्तान करते हैं।
मिसेस पाकिस्तान हमने किया, मगर उसका रिस्पांस वापस वैसा ही रहा, मतलब इतना कोई खास नहीं था। लोगों ने वापस वो बातें करनी शुरू की, देखो इनके इन लॉज कैसे अलाउ कर रहे हैं इनको, इनके हस्बैंड कैसे देख रहे हैं अपनी बीवी को स्टेज पर, तो वो बुरी निगाह से वापस लोग। 9 साल बाद मैंने ऐसे ही मजाक के लिए सोचा, मैंने कहा चलो मिस्टर पाकिस्तान भी कर लेते हैं। जब हमने मिस्टर पाकिस्तान किया तब बहुत बड़ा चेंज आया, आई डोंट नो व्हाई। अभी भी मैं, 2 महीने पहले की बात है, मिस्टर पाकिस्तान हमने किया है, पहला मिस्टर पाकिस्तान किया है, और इतनी चेंज, लाइक लोगों की आंखें बदल गई पूरी कम्युनिटी में। पार्टिसिपेंट्स ज्यादा हुए? नहीं, बात पार्टिसिपेंट्स ज्यादा तो थे ही, मगर बात ये थी कि भाई लड़के जब आ गए ना तो एक बैलेंस हो गया, बैलेंस हो गया। तो मैंने तब से मैं सोचने लगी, मैंने कहा अगर ये 9 साल पहले मैंने सोच लिया होता कि लड़कों को लाना था, साथ कर देते, साथ करना था, तो आई कुड हैव, मतलब मुझे एक्सेप्टेंस पहले से ही मिल जाती। तो लड़के आए और लड़के हमारी शील्ड बन गए और लड़कियां उनके साथ, तो ना कोई किसी ने कुछ बोला पहली बार जिंदगी में, ना किसी, बहुत स्ट्रेंज है। मगर आई थिंक पाकिस्तान एक फीमेल कंट्री नहीं है, मैं कहती हूँ इट्स नॉट अ शी, जैसे इंडिया शी है, यू नो मदर इंडिया कहते हैं, पाकिस्तान इज माँ नहीं है, पाकिस्तान फादर है मुझे लगता है। और एक वो कहते हैं ना मेल डोमिनेटेड सोसाइटी, मेल को ज्यादा पसंद करते हैं, तो आई थिंक जब मिस्टर पाकिस्तान आए तब उन्होंने कहा अच्छा जी चलो लड़के तो है तो लड़कियां भी ठीक है, मतलब एक्सेप्टेंस तब आई जब उन्हें समझ लें, अगर 50% एक्सेप्टेंस आई है तो आ जाइए, 50% उन्हीं की वजह से आई। इसे आप क्या कह सकते, मतलब जो फेमिनिस्ट थे या जो एक थॉट थी इसके पीछे, वो तब तक किसी चीज को नहीं मानते जब तक उनको इन्वॉल्व ना करो। जी, फेमिनिज्म ने भी हम लोगों को हमारा साथ नहीं दिया, हालांकि फेमिनिज्म को, फेमिनिस्ट्स को देना था हमारा। एक हमारी फेमिनिस्ट थी पीपीपी पार्टी की, आमना बटर, उन्होंने भी बहुत मुखालफत की। आई मीन वो उनका ये कहना था कि जी हमारे यहाँ खाना नहीं मिल रहा, कपड़े नहीं मिल रहे, ये लोग मिस पाके, वो हर चीज को मिक्स कर देते हैं, वो राजनीति खेल भी रहते हैं। और वो पता क्या, और मुश्किल ये है कि हम पाकिस्तान जा भी नहीं सकते, क्योंकि जाएंगे हमें कोई ना कोई पार्टी एक एग्जाम्पल के तौर पर ना बता देंगे मुल्लों को कि हाँ जी देखो हमने इनका कैसा असर किया, वो नेगेटिव पड़ेगा। तो हम ऐसे लोग हैं कि हम बाहर से ही ठीक है, अब अंदर हम जाएंगे तो चलो 50 साल बाद सोचेंगे जाने के लिए, क्योंकि तब तक शायद पाकिस्तान पूरी तरह से बदल गया होगा। तो फेमिनिस्ट भी थे, ऊपर से लिबरल लोग भी थे, और एक बड़ा डिफरेंट कल्चर आ गया था पाकिस्तान में 1979 के बाद। जैसे साड़ियाँ बैन कर दी गई, कसिनोस तोड़े गए, शराब बंद कर दिया, सब कुछ बंद कर दिया पूरे मुल्क में, नहीं तो एक वक्त में कराची लंदन माना जाता था। तो उस वक्त क्या हुआ कि लोगों ने कहा ठीक है हम बाहर चादर ज़रूर पहनेंगे, अंदर हम जो करना चाहें हम बंद कमरों में करेंगे, वो कल्चर पैदा हो गया। हिपोक्रेसी, जो हिपोक्रेसी कल्चर है वो पैदा हो गया। और जो बच्चे जैसे हम लोग उस जमाने में जब हम लोग पैदा हुए, जहाँ हम लोगों को बताया गया कि भाई ये है, तो हम लोग ने वो हमारे खून में आ गया। तो अब हम सबके सामने ये बोलें, क्योंकि हमें मुश्किल, क्योंकि पता क्या उस वक्त क्या होता था कि किसी ने मुखालफत की कि नहीं मैं तो दुपट्टा सिर पर नहीं रखूंगी। अब देखें आपकी जैसे टॉप एक्ट्रेस है, हमारी भी वहाँ टॉप एक्ट्रेस थी, उन्होंने ज़ियाल हक को राइट अवे चैलेंज कर दिया कि आई एम सॉरी मैं दुपट्टा सिर पर नहीं रखूंगी, मैंने सारी ज़िंदगी नहीं रखी है। उनको सबके सामने 45 लाशेज दिए गए। तो अब बताएं कि इवन जो बड़े लोग हैं, जो एंटरटेनमेंट में है, जो इधर है उधर है, वो नहीं रिस्क लेना चाहते, कौन अपनी मतलब इस तरह खिल्ली उड़ाना चाहता है पब्लिक में, राइट? तो ये कॉन्सिक्वेंस देकर आम पब्लिक, आम जनता पीछे हट गई और हम लोग एक नए कल्चर में जीने लगे कि बाहर हम अच्छे साधु संत, पीछे हम कुछ और, हमारी पार्टी चल रही है, ये चल रही है, शराबें चल रही, सब कुछ चल रहा है। तो ये कल्चर पाकिस्तान में अभी भी है, 90% में है ये कल्चर, 10% हमारे जैसे जो कहते हैं यू नो हम जैसे है वैसे।